सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट। सोमवार का दिन है, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है। जानेंगे कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, कम्युनिटी बाजार में कितनी उठापटक, कितनी हलचल देखने को मिल रही है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, क्या दाव लगाकर चलना सही रहेगा, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करें हम यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो देख रहे हैं कि आज सोना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $1785 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। सोने के अंदर आज इंटरनेशनल मार्केट में एक दबाव देखने को मिल रहा है। बात करें अगर चांदी की, तो चांदी में भी आज गिरावट के साथ ट्रेड होता नजर आ रहा है। चांदी इस वक्त $22.2 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। आज सोमवार के दिन, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, सुबह के कारोबारी सत्र में देख रहे हैं कि सोना और चांदी दोनों में ही आज एक नरमी के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। घरेलू वायदा बाजार में भी चांदी लाल निशान पर ट्रेड करती नजर आ रही है और जो सोना है वो भी 47,600 के लगभग इतनी लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि डॉलर में तेजी के चलते आज हम देख रहे हैं कि सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें एक गिरावट देखने को मिली है और जो सेफ हेवन डिमांड है सोने चांदी की उसमें भी थोड़ी कमी देखने को मिली है। और दूसरा, कल 1 फरवरी है, बजट पेश होने वाला है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो शेयर बाजार है उसमें काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है, जिसकी वजह से आज देख रहे हैं कि बुलियंस मार्केट में आज एक हल्की सी नरमी देखने को मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सोने चांदी में क्या करके चलना सही रहेगा, खरीदारी करें, बिकवाली करें, क्या दाव लगाएं, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं कि सोना और चांदी आज पहले से काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं। जो सोना $1840 पर ट्रेड करता नजर आ रहा था, वही सोना आज $1785 के स्तर पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। चांदी में भी देख रहे हैं गिरावट देखने को मिल रही है। रूपा जी, कल देख रहे हैं बजट पेश होने वाला है, कल 1 फरवरी है, आज देख रहे हैं शेयर बाजार में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, तो क्या इसकी वजह से आज सोने चांदी में देख रहे हैं कि यहाँ पे नरमी देखने को मिल रही है? देखिए, सोना जब से $1800 के नीचे लुढ़का है तब तक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नीचे में एक बार $1780 जा सकता है और आप देखिए अभी वही प्रेशर जो है इसमें देखने को मिल रहा है। $1780 के पर एक अहम सपोर्ट है, अगर उसको ब्रीच नहीं करता तो अगेन 1800-1820 तक अपसाइड मोमेंटम बन सकती है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से सिनेरियो देख रहे हैं, एक बार सेफ हेवन डिमांड जो है इन लेवल्स पर कम होती दिखाई दी है, इक्विटी मार्केट्स में जंप आने की वजह से इन्वेस्टर्स का रुझान वहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से सोना ऊपरी स्तरों से फिसला है। लेकिन देखिए अभी भी ट्रेंड सोने का पॉजिटिव ही है। अगर डाउनसाइड आता भी है यहाँ से, अगर $1780 भी ब्रीच करता है तो $1760 से $1740 तक की डाउनसाइड एक बार बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि $1780 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। आज इंट्राडे में थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है बिकवाली का, वही लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी सोने के अंदर खरीदारी की ही रणनीति होनी चाहिए, निचले स्तरों पर बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए और मुझे लगता है कि जो डिप आए उसमें खरीदार ही बनना चाहिए। शॉर्ट टर्म रैली के चलते आप आज इंट्राडे में बिकवाली कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अगेन बाइंग में रहना चाहिए। जी, तो यानी कि इंट्राडे में आज सोने चांदी की जो कीमतें हैं उन पर एक दबाव बनता नजर आ सकता है, प्रेशर बनता नजर आ सकता है। जो इक्विटी मार्केट में जो उछाल देखने को मिल रहा है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका रुझान बजट से पहले इन इक्विटी मार्केट में देखने को मिला है, जिसकी वजह से देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों में आज एक नरमी वाला दबाव देखने को मिल रहा है। इससे रूपा जी बात करें अगर कच्चे तेल की, तो देख रहे हैं कि WTI $88 के आसपास है और ब्रेंट क्रूड ऑयल भी $89 पर है, दोनों में ही 1.25% की तेजी देखने को मिल रही है। रूपा जी, जिस हिसाब से अभी भू राजनीतिक तनाव है, जियोपॉलिटिकल टेंशन हैं और कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो भी थोड़ी बाधित होती नजर आई है, सप्लाई डिस्टर्ब हुई है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कच्चा तेल अभी भी यहां से $90 या उसके पार जाने की भी ताकत रखता है?
देखिए बिल्कुल कच्चे तेल में तेजी का ही रुझान है अखिलेश। और अभी देखिए जो अभी फंडामेंटल जैसे आपने डिस्कस किया कि अभी ओवर सप्लाई का डिस्टरबेंस है और दूसरा जियोपॉलिटिकल टेंशन भी हमें यूरोपियन कंट्री और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में देखने को मिल रही है, उसकी वजह से कच्चे तेल को सपोर्ट है। और बिल्कुल यहाँ से कच्चा तेल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार $90 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी सरूपा जी, बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि थोड़ा मिला जुला सा रुझान देखने को मिल रहा है, कोई ज्यादा खास तेजी मंदी देखने को नहीं मिल रही है। आपके अकॉर्डिंग बेस मेटल्स का बाजार आज कैसा रह सकता है? जरूर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आई है, सभी बेस मेटल्स में गिरावट देखने को मिल रही है और कॉपर भी अगेन उसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपरी स्तरों से लुढ़का है और 737 के आसपास आज हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो पॉजिटिव ही है। बेस मेटल्स भी अभी थोड़े करेक्शन के चलते आज गिरावट आ सकती है, निकल 1680 तक एक बार नीचे लुढ़क सकता है और कॉपर में जो नीचे सपोर्ट है वो 720 तक फिलहाल देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं है, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। जिंक मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ से 300 तक जी है, तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बेस मेटल में भी बनाकर चला जा सकता है। जी ये से रूपा जी, बात करें अगर नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस देख रहे हैं कि $4.9 पर ट्रेड करती नजर आ रही है, 6.5% की तेजी देखने को मिल रही है। रूपा जी देख रहे हैं कि नेचुरल गैस में काफी शानदार बढ़त के साथ ट्रेड होता नजर आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। खबर निकल के सामने आई है कि आने वाले जो 2 सप्ताह हो सकते हैं उनमें नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो बढ़ सकती है, क्योंकि जो हीटिंग डिमांड है और जो कोल्ड वेदर कंडीशन है वो थोड़ी गहराती नजर आ सकती है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से नेचुरल गैस की कीमतें और भी उछलती नजर आएंगी? देखिए जिस तरीके से रैली आई है और डिमांड ने पिकअप लिया है उसके चलते नेचुरल गैस में तेजी बनी है और ये तेजी अब यहाँ से देखिए 380 से मैक्सिमम 400 तक का एक अपसाइड डोमेस्टिक मार्केट में बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जो ये रैली है, इस रैली के चलते मुझे लगता है कि 400 तक एक बार कीमतें ऊपर में जा सकती है। जी रूपा जी, आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप, जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए मुझे लगता है कि अभी आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन एक तो क्रूड के अंदर ही बाइंग में रहना चाहिए और दूसरा बेस मेटल एज यूजुअल आप डिप पे बाय करते रहें, बेस मेटल में ही तेजी का रुझान है। और जैसे कि मैंने बताया था कि जिंक जो है वो 300 के का लेवल छू सकता है और मुझे लगता है आज या कल में ये लेवल हमें अचीवेबल हो सकते हैं और उसके ऊपर निकलता है तो 310 तक की तेजी फिलहाल जिंक में बनती हुई दिखाई दे सकती है। और वहीं क्रूड भी मुझे लगता है कि एक बार $90 का लेवल छूता हुआ दिखाई दे सकता है और डोमेस्टिक मार्केट में मान के चलिए 6700 से लेकर 6800 तक के टारगेट क्रूड में देखने को मिल सकते हैं, तो क्रूड में भी बाइंग करके चला जा सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।